तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर Redmi K20 Pro यूज़ कर रहा हूँ। और Redmi K20 Pro में हमें MIUI 12.5.1.0 की जो ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलता है, उसके बाद से कोई हमें अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों का बहुत से कमेंट आते हैं कि हमारे डिवाइस में MIUI 14 की या MIUI 13 की अपडेट क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि Xiaomi की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है कि इस डिवाइस के लिए अब आप लोगों को कोई भी ऑफिशियल अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। पर दोस्तों, मैं अपने Redmi K20 Pro में MIUI 13 को भी यूज़ कर चुका हूँ और MIUI 14 को भी यूज़ कर चुका हूँ। MIUI 13 की जो मैं रोम यहाँ पे यूज़ किया था दोस्तों, उसमें काफ़ी थोड़े बहुत लेस फीचर्स, लेस कस्टमाइजेशन देखने को मिलता था। पर आज की वीडियो में जो मैं MIUI 13 की रोम को यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें आप लोगों को भरपूर कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने MIUI 14 के बारे में भी वीडियो बताया है कि MIUI 14 कैसे अपने Redmi K20 Pro में इंस्टॉल करना है और क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है, सब कुछ की जानकारी अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे, आपकी वीडियो को चेक करेंगे, वहाँ एक मिल जाएगा। पर आज की वीडियो में आप लोगों को हैंडसोन देने वाला हूँ MIUI 13 की अपने Redmi K20 Pro में। उससे पहले दोस्तों, इस रोम के सारे क्रेडिट इसके डेवलपर को, इसके टेस्टर को, इसके मेंटेनर को जाता है। मैं आप लोगों को सिर्फ इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताता हूँ और फीचर्स के बारे में बताता हूँ, बाकी सब कुछ रोम के क्रेडिट इनके डेवलपर को जाता है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने फोन में Redmi K20 Pro में ऑलरेडी MIUI 13 को इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, इस रोम में आप लोगों को टोटल 5 लैंग्वेज की सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है और बाकी ये लैंग्वेज आप लोग देख सकते हैं अपने आपके स्क्रीन पे फ्लैश होता है, आपके स्क्रीन पे देखने को मिल जाता है, ये सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो आप लोग के रीजन में अगर आपकी लैंग्वेज सपोर्ट है, तो आप लोग इस रोम को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर इंग्लिश करके आप लोग अपने किसी भी रीजन के लिए यूज कर सकते हैं। और जैसा दोस्तों, मैंने इस रोम को अपने फोन में इंस्टॉल कर रखा है, तो हमें Android 12 की सपोर्ट देखने को मिल जाता है और MIUI 13 की सपोर्ट दे देता है, और इसमें आप लोगों को फरवरी की सिक्योरिटी पॉलिसी देखने को मिल जाता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसमें काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, फीचर्स देखने को मिलता है आपके लॉक स्क्रीन पे, होम स्क्रीन पे, स्टेटस बार में, चार्जिंग एनिमेशन में, तो बहुत से कस्टमाइजेशन मिलता है दोस्तों। उसकी डिटेल वीडियो आप लोग जल्दी देखने को मिलेगा। पर आज की वीडियो में आप लोगों को सिर्फ इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता दूँ कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन है कि आपकी डिवाइस के बूट अनलॉक होना चाहिए और आपके फोन में कोई कस्टम रिकवरी इंस्टॉल हो। मैं यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ कि ऑरेंज फॉक्स की जो लेटेस्ट वाली कस्टम रिकवरी है, उसे आप लोग यूज़ करिए। अगर कस्टम करने बूट करने के बाद आपका फोन यहाँ पर इंक्रिप्ट शो करता है, तो आपके होम स्क्रीन की जो पासवर्ड लॉक, आपका जो फोन लॉक होता है, तो लॉक जब आप लोग अपने फोन को अनलॉक करते हैं, तो लॉक स्क्रीन जो पासवर्ड देता है, सेम पासवर्ड आपको डाल के यहाँ पर एंटर कर देना है, फिर आपकी डिवाइस यहाँ पर डिक्रिप्ट हो जाएगा, इंक्रिप्ट हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले क्या, हमें वाइप में जाना है। जो पार्टीशन को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, उस पार्टीशन को सिलेक्ट करके आप लोगों को उसे वाइप कर देना है। वाइप करने के बाद दोस्तों, हम लोग लिस्ट में जाएंगे और जो रोम को आप लोगों ने डाउनलोड किया, जो मैं यहाँ पर डाउनलोड किया हूँ, उसे सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने में दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा समय लग सकता है, 2-4-5 मिनट का समय लग सकता है, तो आप लोग पेशेंस रखें, आपके फ़ोन में ये रोम फ्लैश हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपके रोम में फ्लैश होगा, तो आप लोगों को अपने फ़ोन में फर्मवेयर डाटा करना होगा। फर्मवेयर डाटा करने के बाद आपकी जो भी स्टोरेज वगैरह है, जो भी इंटरनल स्टोरेज है, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डाटा है, वो सब कुछ यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। तो इसलिए आप बैकअप जरूर बना लें और यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट डाटा करके यस करेंगे, अपने फोन यहाँ पर रिबूट सिस्टम कर देंगे। रिबूट करने में दोस्तों आप लोगों को 2-4 मिनट का समय लग सकता है, उसमें भी आप लोग पैसे रखें। फिर आपके इस फोन जब यहाँ बूटअप होगा, जो सेटअप वगैरह आप लोगों को कम्प्लीट कर देना है। अगर मी अकाउंट लॉग इन है, तो आप लोग को वो याद रख लीजिए, आप लोग मी अकाउंट की पासवर्ड लगेगा। वाईफाई की पासवर्ड है याद नहीं है, वो याद कर लीजिए, वो डाल कर आप लोग अपने फोन की सेटअप कम्प्लीट करिए। और जैसे हम लोग लास्ट पेज में जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ और परमिशन आप लोगों को दिया है, बाई डिफॉल्ट वहाँ पर दिया रहता है, उसे अगर आप लोग डिसेबल कर देंगे, तो जो अभी आपके फ़ोन में एक्स्ट्रा जो एड्स देखने को मिलते हैं दोस्तों, वो आपको रिकमेंडेशन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, आप तो सभी ऑप्शन को यहाँ पर डिसेबल कर सकते हैं। चाहे तो आप लोग लोकेशन को भी डिसेबल कर सकते हैं, अगर आप लोकेशन ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो लोकेशन डिसेबल कर देंगे, इससे आपकी बैटरी जो है इंप्रूव हो जाएगी। पर लोकेशन कि जो परमिशन है, आप लोग को बार बार यहाँ देना पड़ेगा। तो आप लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से सारा परमिशन को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ पर स्वाइप अप करके आपकी जो MIUI 13 की जो सिस्टम है, उसमें आप लोग इंटर कर पाएंगे और जो भी फीचर्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों, फीचर्स और रिव्यू इसकी आप लोगों को फिर कभी किसी वीडियो में देखने को मिलेगा। कोई सवाल हो आप लोगों का इस रूम के रिगार्डिंग, तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं।